Just let me go, please let me go. You like to love so hard and then you throw it away. You like to open scars and then you blame it on me. You're someone I can never be with. You joke about my flaws and weaknesses. Plan change of your work, Krishna. तीसरी बार साथ साथ इन मुसीदा उठा के उसमें गिर जाएगा और जो बची पूड़ियाँ हैं ये इन सभी को भी निकाला जाएगा, तो कैमरा एंगल चेंज करना पड़ेगा। अब से पहले तो मेरे पास यूट्यूब चैनल नहीं था, पर देखिए हम इस ये अनमोन फलों को कैद कर सकते हैं सभी एक साथ होकर। किस तरह से खेती में जो हार्डवर्क मेहनत लगती है और फैमिली यहाँ पे जो फैमिली की जो एक साथ कार्य करने की जो भावनाएं देखी जा सकती है, उनको बढ़ावा मिलता है, वो भी आसानी से देख सकता है। बहुत ही अच्छी चीज़ है जो नई जनरेशन आ रही है आगे आगे सभी के, क्योंकि सभी के लिए फैसिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, ये चीज़ें समाप्त होती जा रही हैं। फैमिली के साथ जो किए गए कार्य होते हैं हमें प्रेरणा देते हैं किस तरह से एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़ा जाता है लाइफ में। ऑलमोस्ट पूरी खेत की पुलियाँ कवर कर ली गई हैं, सभी को काट दिया गया है यहाँ पे। और ये देखिए तूड़ी भी देख सकते हैं कितनी डस्ट उड़ कर आ रही है, और यहाँ पे सभी ने बहुत ही मेहनत की है, सभी अच्छे साथ में मिल के काम कर रहे हैं, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो पूरी लामनी हो चुकी है, आइए आपको जो खेती के इंस्ट्रूमेंट है इनसे थोड़ा रूबरू कराते हैं। ये देखिए अनाज के अनमोल मोती कितने मस्त लग रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे साल की परिश्रम के बाद में ये देखिए अभी इम्तहान का फल है ये। देखिए जो अनाज निकलने के बाद में जो बचाता है ये थोड़ा ये भैंसों पशुओं के लिए बचा के रखा जाता है, ये भी काम में आता है। सारे क्यों निकाल दिए अभी देखते हैं, देखो कुछ नहीं बचा इधर। तो
तो हमने निकाल ली है, ये हमारी फैमिली है, तो घर पे ही अभी मिल के। अब देखो अभी चलने का टाइम हो चुका है, पहले जाएगा डॉक्टर, घर पे जाके उनको कट्टों में बोरियों में डाला जाएगा। और ये वाली थोड़ी इसको अलग से कल मिठड़ियों के अंदर बांध बांध के लेके जाया जाएगा यहाँ से। ज्योति डब्बा इसे बोलते हैं, हरियाणा में डब्बा। ये फिर समझूंगे, ये सब निकालने के काम में आती है। इधर से देखा होगा आपने, निकाले उधर से रिफाइन करके गेहूँ, उधर थे थोड़ी इधर से बीच में। ट्रैक्टर से ही चलती है, ट्रैक्टर इसके लिए बिजली जनरेट करता है, घुमाता है इसको रोटेशन से। इसके नीचे देखो जाल लगे हुए हैं, और देखो यहाँ पे इसका एक गियर है, इसे कंट्रोल की जाती है। अब एक वर्ड राउंड से पीछे की तरफ भी घूमती है कन्वेयर बेल्ट, आगे भी देखो। इसके अंदर से हवा के प्रेशर के द्वारा इधर तोड़ी को फेंक दिया जाता है। तो देखो कुछ भी हो जो बच गई, इसके नीचे भी देख सकते हम। बहुत ही मस्त सिस्टम बना है इसके लिए, व्यू निकालने के लिए है। ये बड़ा बड़ा व्यू घूमता है ना, इससे ही सब कुछ होता है। देखो सारे बटे इसे जुड़े हुए हैं, इस वाला बटे से। अभी बहुत गर्म हो रहे हैं, देखो देखो तो भाई अभी तो इसी खेत के निकलेंगे। अभी तो और मेहनत बाकी और देखेंगे आपको वही तो। अभी तक चुके हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा होगा कितनी देर के लिए मशीन चली है, जंडी जाने बैठते पुरानी जंडी है। ऐसे ही पेड़ देखो बहुत ही कम देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, हरियाणा में मिलेंगे मोस्टली, खास करके जो मिट्टी वाले इलाका है। देखो इसमें छोटे से दबे छोटा देख सकते हो, बोला गेम निकलने को है। देखो दवाई मिलती है जब पीस करके, बहुत कुछ काम में लाभदायक रहती है। छाव देखो इसी कितनी अच्छी है, कह रही है बहुत अच्छी है, मजा आ गया। देखो इस खेत में देखो बता रहे थे ना, वो प्लाव मार दिया भाई इसको काट पीट के। पूरा काम होने के बाद में जैसे इसमें सिर से बोई हुई थी, तो सिर से मुझे डांस टूस निकालने से काट दी, बाकी को बा दिया गया। तो देखो बिल्कुल लेवलिंग हो चुकी है, बहुत अच्छी प्योर मिट्टी है अभी। आज फिर से इस पर नई फसल उगाई जाएगी, नई फसल उगाने के बाद में फिर से इसमें स्टार्ट है। और इसके बीच में देख सकते हो वहाँ पे वो पेड़, वो है बड़बेली, उसके ऊपर लगते हैं बेर, दिखाते हैं टाइम लगेगा तो वरना स्पेशल दिखाएंगे आपको, क्योंकि अभी बेर का सीजन है। तो कभी बेर बार खाना है, हरियाणा के कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए आओ कभी इधर हमारी तरफ। ये देखो बड़बेरी, ये तो बड़बेरी का पेड़। बहुत मेहनत लगती है खेती काम में, कुछ मत बहुत ज़्यादा। तो चलिए घर चलते हैं, छाँव बहुत बढ़िया है। थोड़ी छाँव काफ़ी है।
आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें ऐसे ही डे टू डे व्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।